जिला स्तरीय टूर्नामेंट जो कि करोला स्कूल में हुआ था, जिसमें 140 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें से 21 बच्चों का, जिसमें 35 बालिका और 36 बालकों का चयन संभाग लेवल के लिए हुआ है, जो कि इटारसी के ग्राउंड पर खेला जाएगा। उनके अपोजिट में नर्मदापुरम और जो भी संभाग की टीमें रहेगी वो खेलेंगे, और यहाँ पे अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 की बालक और बालिका की टीम जा रही है, और ये इसके बाद उनका चयन राज्य स्तरीय टूर्नामेंट के लिए होगा। अंकित सर, ये जो बच्चे सारे दिख रहे हैं, ये किस चीज़ के लिए चयनित हुए? ये फुटबॉल के लिए चयनित हुए सर। पहली बार ऐसा हुआ है कि 200 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और जिसमें से 100 बच्चे सॉफ्टबॉल और लगोरी के लिए सिलेक्ट हुए, और ये डिविजनल लेवल के लिए आज नर्मदापुरम जा रहे हैं।